नमस्ते, मैं हूँ शताक्षी गुप्ता। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से कराने जा रही हूँ जिनका नाम है कर्नल प्रेम कुमार शर्मा। ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलिए उनसे ही बातचीत करते हैं और उनके बारे में आपको बताते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल, कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि सर, ये जो वो कौन सी ऐसी उम्र थी जब आपने आर्मी ज्वाइन किया और वो जज्बा कहाँ से आया कि मुझे आर्मी ही ज्वाइन करना है? मैंने आर्मी 18 साल की उम्र में ज्वाइन की और ये जज्बा आया मुझे अपने फादर की यूनिफॉर्म को देखकर। और जब हम 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड देखा करते थे तो उन सोल्जर्स की स्मार्टनेस, उनका टर्न आउट, उनकी मार्चिंग, वो देखकर मैं बहुत प्रेरित हो जाता था और उत्साहित हो जाता था और सोचता था कि मैं भी बड़ा होकर एक दिन ये यूनिफॉर्म पहनूंगा। तो सर, जैसे कि आपका सिलेक्शन जब हो गया तो आपको जाहिर है ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग के बाद आपको क्या कहीं पहली बार ऐसे ही युद्ध के लिए भेजा गया या पहले आपको किसी के अंडर में जाना पड़ा? हाँ नहीं, ऐसा है कि आर्मी में एक कमांडो कोर्स ट्रेनिंग होती है जी, जिसमें बिल्कुल युद्ध के माफिक सिचुएशन होती है और वहाँ पर आपको यू हैव टू फेस लाइक एज इफ यू आर इन द एनिमी टेरिटरी एंड यू हैव टू लिव ऑफ द लैंड एंड द ट्रेनिंग इज सो रिगरस दैट फॉर 28 डेज यू आर इन जंगल एंड यू हैव टू मैनेज फेंड फॉर योर सेल्फ ऑन योर ओन एंड दैट ट्रेनिंग दे गिव इन मैनी वेज लाइक विदाउट आर्म्स हाउ टू टैकल एनिमी, विद आर्म्स हाउ टू टैकल एनिमी एंड हाउ टू सर्वाइव इन जंगल। एंड दो आई एम ए ब्राह्मिन बट आई टोल्ड माई इंस्ट्रक्टर आई विल ईट यू दे टेल अस हाउ टू कैच दीज वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड बर्ड्स, एनी थिंग यू सी विच इज बींग ईटन बाई बर्ड्स एंड एनिमल्स इज ऑल्सो एडिबल फॉर ह्यूमन बींग्स। So that is how we live off the land. When you see, if you suppose this training is given, if you have become a prisoner of war, so your effort should be to escape from his prison and come to your own land. Now how will you survive during that period? It may take you 1 week, it may take you 10 days. You cannot travel during day. You have to always travel in the night because if you are spotted, you will be reported and you will be caught again. So that's why the training, when there is no war, we are preparing for war all the time. Okay. Then the motto is, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. That is the motto. अच्छा, तो इसके जैसे इसके बाद हमारे देश की तरफ से कितनी लड़ाइयाँ लड़ी मुझे तो नहीं पता, मैं तो शायद जबकि आप बात करें मेरा जन्म भी नहीं पता। तो आपको पहली बार किस युद्ध के लिए जाना पड़ा? मेरी पहली पोस्टिंग राष्ट्रपति भवन में थी और हमारी बटालियन जो थी वो प्रेसिडेंट सेरेमोनियल गार्ड्स थी और उसी वक्त बांग्लादेश से हमारा जो था ये छुटपुट लड़ाई शुरू हो गई थी और फिर राष्ट्रपति भवन से ही हमारी बटालियन वॉर के लिए मूव हुई एंड वी वेंट टू बांग्लादेश फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड अगरतला। वी एंटर्ड फ्रॉम देयर एंड देन वी वर मूविंग इनसाइड दी दिस थिंग एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर विद मुक्ति वाहिनी इनिशियली बिकॉज इन दैट वॉज इन जून जुलाई and the war was declared with Pakistan on 4th December, that is the official declaration, and then we were all out with war in Pakistan and this war lasted till 14th of December and 15th December 91,000 Pakistani soldiers surrendered to the Indian Army. This is a record in the world. Never in the history of wars and the history of any country so many soldiers have surrendered in one go. 91,000. Imagine the figure, mind-boggling. And after the war, we were based in Chittagong. And it was like a Faujdar Hat Cadet College. Like they used to give training to the Pakistani students for their joining their academy and how to become an officer. And after the war, I was a science graduate. I had done BSc. So there was shortage of technical officers in the army and I got an opportunity to get myself transferred to technical arm, that is Corps of Signals or EME or engineers, but I preferred communication branch. So I joined, I was transferred to Corps of Signals. You see, they provide communication right from battlefield to the President House office and to the Army Chief Office, those who are sitting in the Army headquarters and monitoring the progress of war. Then I did BE in telecom
then M.Tech in computer science, you see, because technology is changing very fast. You have to keep pace with the technology. Bilkul. You have to keep pace, otherwise you will be left behind. You will be holding those 303 rifles only. So I did all these courses, and Army makes sure that you are updated in every field. There are so many branches in the Army. There is artillery, that is called Topkhana, communication branch, and infantry is the queen of the battle, which makes direct contact with the enemy and fight hand to hand at times. तो बांग्लादेश के बाद जैसे उसके बाद ये जो आपने हमारे साथ शेयर किया बांग्लादेश के बाद भी आपको कहीं और युद्ध के लिए जाना पड़ा Yes, after that in 99 there was Kargil war. So in Kargil war also, though I was not actively involved in that, but then we were at a place in Jabalpur where ordnance factory is there. They were making the ammunition for buffer guns. So we used to see that 24 hours those factories are working and making the ammunition, and then we used to deliver it at Kargil where the battle was going on. So we used to also go in by air to ensure that the delivery of ammunition to those guns is being made timely and in sufficient quantity. That's how we could win that war of Kargil, though the Pakistan Army was at an advantage because they were on the higher ridges and we were on the lower ridges. So they could aim and shoot at us. But we, our young officers, they used to say, "Ye dil mange mor," and there were young captains, you see, who were so full of josh. And in that battle, most of the time the casualties were young officers only, because it was the most toughest terrain to fight a war. And after that, after the retirement, I went to Iraq to work with British Army. And फिर से एक बार हम जंगे मैदान में पहुँच गए and that was I went as a civilian. I was manning a camp of 100 rooms there, because in war you need logistics, you need food, you need water, you need diesel, you need petrol, you need all the logistic support. So the US Army and British Army is not going to get it from UK or USA. The nearest country was Kuwait, so 150 kilometers. So the our logistic line was being maintained with Kuwait, and 24 hours the logistics were being supplied from Kuwait to our camp in Basra. That is where I was with the British Army, Danish, Japanese and Australian, whereas in Baghdad it was the American Army who were controlling and manning the war. And it was an amazing experience to be with the working with these foreign armies, multinational forces in Basra, and I was there for a year and a half, and it was an amazing experience to work with the multinational forces. And every day there used to be bomb rockets falling in our camp. The soldiers were dying, the civilians were dying, the army officers were dying, and sometimes the whole camp used to catch fire. And there used to be sometimes no casualty, because there was no one at that time in the camp. But sometimes there were officers and jawans and who used to become casualty. And so it was again, because it was a battlefield, battleground. And I remember I used to do my morning exercise on cycle. I used to do cycling, and soldiers and women soldiers used to be running, practicing, doing their physical training. And suddenly there will be a siren that a bomb is going to fall. So, आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए भी आप कोई संदेश दीजिए मेरा संदेश युवा पीढ़ी के लिए रहेगा कि दे मस्ट टेक कीन इंटरेस्ट इन देयर एकेडमिक्स एंड स्पेशली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बिकॉज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर द वन विच बिल्ड द करेक्टर ऑफ ए पर्सन एंड दे आर एबल टू फेस एनी चैलेंज इन लाइफ एंड दे एंड इट मेक्स देम फिजिकली स्ट्रांग एंड It also gives them the capability to take quick decisions, which is required in the battlefield. हमारा चैनल है बी अलर्ट बी केयरफुल घटना घटने का इंतजार ना करें पहले से सावधान रहें तो इसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहें जी आपका ये चैनल बी अलर्ट बी केयरफुल ये संदेश हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाएगा और उस जगह भी जहां पर कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है और हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर कि अभी भी न्यूज़पेपर नहीं मिलता है और ये टीवी चैनल्स अवेलेबल नहीं हैं लेकिन आपके माध्यम से ये मैसेज हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाएगा
तो सर बस लास्ट में सबको कह दीजिए, बी अलर्ट बी केयरफुल, बी अलर्ट बी केयरफुल, जय हिंद। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।